अस्सलाम वालेकुम, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर या एक्सपर्ट नहीं हूँ। ये तमाम मालूमात इंटरनेट और मेरी जाती तहकीक और मुताले पर मबनी है। इस वीडियो को देखने से पहले मेरा आपको मशवरा है, किसी भी किस्म की इन्वेस्टमेंट से पहले अपने तौर पर रिसर्च और मालूमात इकट्ठी कर लें। इस वीडियो को देखने के बाद हम आपकी की गई किसी भी इन्वेस्टमेंट के नफा नुकसान चोरी वगैरह के जिम्मेदार नहीं होंगे। ये वीडियो सिर्फ आपकी मालूमात के लिए बनाई जा रही है। तो चलते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। जी वर्ज़ा, आपका वेलकम करता हूं आपके अपने ही चैनल बेस्ट क्रिप्टो करेंसी वॉलेट्स में। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा मेरी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन लाजमी दबाएं ताकि मेरी नए आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो जैसा कि लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था कि आप मल्टीपल वॉलेट्स को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। मल्टीपल वॉलेट्स क्रिएट करने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपका जो फाइनल बैलेंस होगा वो किसी भी यूजर को मालूम नहीं होगा। लेट्स सपोज अगर आपने किसी से रिसीविंग की है, अपनी अमाउंट हासिल की है, तो आपको जो है आप महफूज रहेंगे उससे। तो आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप इस वीडियो को भी एंड तक लाजमी देखना ताकि आपको पता चले कि आप वॉलेट को जो है कैसे क्रिएट कर सकते हैं मल्टीपल वॉलेट्स को। और इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं कि आप वॉलेट को डिलीट कैसे कर सकते हैं। लेट्स सपोज अगर आपने 20 वॉलेट बना लिया, 30 वॉलेट बना लिया, उसमें से जो है आप चाह रहे हैं कि यार जो मेरे यूज के नहीं है वॉलेट उनको मैं डिलीट करना चाह रहा हूँ, तो उसको कैसे डिलीट करना है। तो वीडियो शॉर्ट सी वीडियो है, लेकिन आपने कोशिश करना कि इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना ताकि आपको प्रॉपरली इन्फॉर्मेशन मिल सके। सबसे पहले हम ओपन करते हैं अपना वॉलेट, जो हमारा वीचेन का वॉलेट, हमने डेस्कटॉप वर्जन इंस्टॉल किया हुआ अपने सिस्टम में। और इंस्टॉल करने के बाद हमारे पास जो है उसका आइकन है, आइकन को मैंने क्लिक कर दिया। अब हमारे पास जो है वीचेन का वॉलेट का इंटरफेस ओपन होने जा रहा है। ये देखिए हमारे पास वीचेन का वॉलेट इंटरफेस ओपन हो रहा है। समटाइम होता है, थोड़ा सा टाइम लेता है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि अभी ओपन हो जाएगा। जी ये देखें, अभी जैसे ओपन होता है फिर मैं आपको बताता हूँ कि आप अपने वॉलेट को, एक्स्ट्रा वॉलेट को डिलीट कैसे कर सकते हैं। क्योंकि कुछ ऐसे वॉलेट्स होते हैं जो आपके यूज़ में नहीं होते, तो आप ये चाहते हैं कि मैं उसको डिलीट कर लूँ। तो डिलीट कैसे करना है, वीडियो बहुत आसान है, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल रही है। आपने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। आपने जाना है वॉलेट में, ठीक है, किया वॉलेट में चले गए वॉलेट्स में जाने के बाद आप देखिए मेरे पास दो वॉलेट्स क्रिएट किए हैं। यहाँ लेट्स सपोज अगर 10 वॉलेट भी होते, 1, 2, 3, 4, 5, 10 वॉलेट होते, उसमें से आप 2-3 यूज़ करें, बाकी यूज़ नहीं करें, तो बाकी को आप डिलीट कर सकते हैं। अब डिलीट करने का फ़ायदा क्या होगा कि एक्स्ट्रा वॉलेट जो होंगे आपको फिर उसमें कन्फ्यूज़ नहीं होंगे। आपको पता होगा आप 2 मेन वॉलेट यूज़ करें या 4 मेन वॉलेट यूज़ करें, उसके बाद आप एक्स्ट्रा वॉलेट को डिलीट करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे। उसको करना बहुत आसान है। लेट्स सपोज जैसे ये वॉलेट है, मैं इसको डिलीट करना चाह रहा हूँ, इस वॉलेट को मैं रखना चाह रहा हूँ, तो मैं इसको यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा। डबल क्लिक करने के बाद मेरे पास वॉलेट ओपन हो गया। देखिए इसमें कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, मतलब मेरे अभी यूज़ का नहीं है। इसको मैं डिलीट करना चाह रहा हूँ, तो उसको मैं डिलीट कैसे करूँगा। यहाँ पे देखें 4 ऑप्शंस हैं, ठीक है। बैकअप का मैंने आपको पहले बता दिया, रीसेट पासवर्ड का भी बता दिया, ट्रांसफर का भी मैंने आपको बताना है कि डिपॉजिट कैसे करते हैं, विड्रॉ कैसे करते हैं। लेकिन आज हम वॉलेट को डिलीट करें जो हमारे यूज़ का नहीं है, जिसको हम अनयूज वॉलेट कहते हैं। डिलीट पर सिंपल क्लिक करना है। डिलीट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन मांगेगा पासवर्ड। पासवर्ड आपको याद होना चाहिए, क्योंकि पासवर्ड के बगैर आप वॉलेट भी डिलीट नहीं कर पाएंगे। ये एक इस वॉलेट की बहुत अच्छी चीज़ है कि आप पासवर्ड इंटर किए बगैर और वॉलेट का नाम इंटर किए बगैर इसको डिलीट नहीं कर पाएंगे। मैंने इसके ऊपर अनलॉक पे क्लिक कर दिया। अब देखें वॉलेट का नाम पूछ रहा है ये कि वॉलेट को डिलीट कैसे करना है, सॉरी कौन सा वॉलेट डिलीट करना है। तो मैं इसके ऊपर नाम दूंगा जो हमारे पास सामने दिया हुआ है। देखें वीचेन वॉलेट आपने उसी तरह लिखना है जैसे आपने वॉलेट का नाम दिया था। यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे लिखा दिस एक्शन कैन नॉट बी अनडन, सॉरी अनडन अनलेस यू हैव बैक्ड अप योर वॉलेट बिफोर हैंड, योर वॉलेट विल बी परमानेंटली डिलीट। अगर आपका वॉलेट डिलीट हो जाएगा तो आप कोशिश करें पहले इसके बैकअप ले लें। बैकअप यहाँ से लेना आपने, ये देखें सामने बैकअप ले लें एहतियाती तौर पर। वैसे अभी मैंने इसमें कोई ट्रांजेक्शन नहीं की तो मुझे कोई जरूरत नहीं है बैकअप की। अगर मैंने कोई ट्रांजेक्शन की होती, मुझे जरूरत पड़ती, तो इसका मैं बैकअप लाजमी ले लेता। तो अभी जरूरत नहीं है, तो अभी मैं इसको यहाँ से डिलीट कर दूंगा। अभी वो क्या कह रहा है, देखें, कह रहा है कि जी वॉलेट का जो नाम है वो गलत है, तो वॉलेट नेम इनवैलिड वॉलेट नेम, वॉलेट तो यही है, नाम हमारे में गलती क्या आ रही है हमारे पास से, वॉलेट नेम वीचेन, स्पेलिंग में तो गलती नहीं है, कह रहे हैं वॉलेट का नाम में गलती है, क्या गलती है नाम, सॉरी ये देखें ना, नो में मैंने जो 0 है, सॉरी ओ जो मैंने स्मॉल में लिखा था, अब मैं इसको कैपिटल में कर दिया, मतलब एक्यूरेट आपने वॉलेट नेम लिखा जैसे ये नेम है। अब मैं इसको करता हूँ डिलीट, और अब ये देखें डिलीट हो गया, हमारे पास एक ही वॉलेट रह गया। इसी तरह अगर आपके पास यूज्ड वाले वॉलेट नहीं है तो आप उनको डिलीट कर सकते हैं। उम्मीद है व्यूअर्स आपको इस वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिली होगी कि आपने एक्स्ट्रा और अनयूज जो वॉलेट हैं वो कैसे डिलीट करने हैं, अपने स्पेसिफिक वॉलेट अपने पास रखने हैं जिनमें आप ट्रांजेक्शन करें ताकि आप कन्फ्यूज ना हो।
इस वीडियो से अगर आपको किसी तरह की इंफॉर्मेशन मिली आपसे रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो स्टॉप करने से पहले मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन लाजमी दबाएं ताकि मेरी नया वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं अपनी कल की एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।